तो दोस्तों फाइनली Realme XT Pro की फुल स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है। दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और उसके साथ ही 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सपोर्ट। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका प्राइसिंग और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन से। तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला ग्लास बैक का डिजाइन, जैसा कि Realme के स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों स्मार्टफोन में सेम Realme XT के जैसा ही देखने को मिलने वाला ग्लास बैक का डिजाइन, जो कि आने वाला Gorilla Glass 5 के प्रोटेक्शन के साथ, और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला 90 GHz के डिस्प्ले के साथ, जैसा कि हमें OnePlus 7 Pro में देखने को मिला था। तो दोस्तों स्मार्टफोन का डिस्प्ले क्वालिटी काफी बेहतरीन होने वाला है और उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों फुल ब्लू डिस्प्ले होने की वजह से स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि आने वाला 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, जैसा कि Realme XT के लॉन्च इवेंट में माधव सेठ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। और उसके साथ ही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के रियर साइड की कैमरास की, दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला है 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और वहीं बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 4100 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है हुक के 13 W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, जो कि आने वाला है रियलमी के न्यू OS के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट का प्राइस आपको 22,000 rupees के करीबन देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 6GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज। और उसके साथ ही 8GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइसिंग आपको 25,000 rupees के करीबन देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को ऑफिशियली दिसंबर के महीने में लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। Realme का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको 90 GHz का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स और रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड आई हैव अ ग्रेट डे।